सूरत पुलिस द्वारा खास ध्यान रखा गया था कि पत्थर फेंकने वाला एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाला वो खाली कानूनी गुनहगार नहीं है, वो समाज का सबसे बड़ा, जो कायदे में रहेंगे वो ही फायदे में रहेंगे। कानून तोड़ेंगे तो गुजरात पुलिस किसी को नहीं छोड़े। पत्थर फेंकने वाले सभी लोगों को पकड़ा गया, सूरत पुलिस द्वारा खास ध्यान रखा गया था कि पत्थर फेंकने वाला एक भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक भी बेगुनाह व्यक्ति भी इसमें पकड़ा ना जाए। इसके लिए सूरत पुलिस ने अलग अलग टेक्नोलॉजियों का खास उपयोग किया था, खास तौर पे सीसीटीवी है, वीडियोग्राफी है, ड्रोन, ये सभी के विजुअल्स के माध्यम से ये सभी असामाजिक लोगों को पकड़ा गया है और आज सभी लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। खास तौर पे मेरा यह मानना है कि पत्थर फेंकने वाला वो खाली कानूनी गुनहगार नहीं है, वो समाज का सबसे बड़ा गुनहगार है। कानून तो कानून का काम करेगा ही, लेकिन ऐसे समय पे समाज की खुद की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने युवाओं को, बच्चों को सही मार्ग पे ले जाने की कोशिश की जाए। ये गुजरात आज जब देश का ग्रोथ इंजन है, यही गुजरात की धरती ने सभी लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। किसी के बच्चों का भविष्य यहां पे बना, किसी की बच्ची का भविष्य यहां पे बना, परिवारों को नौकरी, रोजगारी, व्यापार, सभी चीजों के अवसर यहां पे मिले हैं। मात्र गुजरात के युवाओं को नहीं, लेकिन देश भर के युवा जिसने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखा है, ऐसे युवाओं को रोजगारी देने का सबसे बड़ा केंद्र वो गुजरात बना है। ऐसे अपने गुजरात में इस प्रकार से गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोगों को कड़ी सख्ताई से लिया गया है और गुजरात पुलिस एवं सूरत पुलिस का हमेशा एक नारा रहा है, एक काम करने की शैली रही है कि जो कायदे में रहेंगे वो ही फायदे में रहेंगे, कानून तोड़ेंगे तो गुजरात पुलिस किसी को नहीं छोड़ेगी। गुजरात में शांति कम करने के त्योहार के दिनों में सूरत के अलावा बाकी शहरों से भी ऐसे मामले सामने आए हैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए गृह प्रधान, गृह मंत्रालय कैसे कार्यवाही करेगा? मैं खुद गणपति जी का परम भक्त हूं, गणपति जी के चरणों में जहां पत्थर मारने की कोशिश की थी वह ग्राउंड जीरो पे जाके गणपति जी के पंडाल में बैठ के पूजा अर्चना की है, आरती की है, आयोजकों के साथ बैठा, उनके साथ चाय पी है। और मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप सभी लोग गणपति जी का उत्सव उत्साहपूर्वक बना पाओ, उसके लिए त्योहार की जब शुरुआत हुई उससे पहले ही पूरी गुजरात पुलिस को मैंने कहा है कि गणपति जी का त्योहार यह है, गुजरात के सभी नागरिकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, ये हमारी आस्था का सबसे बड़ा त्योहार है। और ये त्योहार में मात्र पूजा अर्चना होती है, इतना ही नहीं, गणपति जी की पूजा अर्चना और गणेश चतुर्थी दरमियान सूरत शहर के लाखों लोगों को रोजगारी मिलती है। और गणपति जी के मंडप बनाने वाले, मंडप वाले लोग हो, पंडाल बनाने वाले लोग हो, पंडाल बनाने वाले लोगों के पास ना बांबू मिलेगा, ना टेबल मिलेगा, ना कपड़ा मिलेगा, उस प्रकार का उनका व्यापार होता है। मात्र व्यापार होता है इतना ही नहीं, उसके पीछे हजारों लोगों को रोजगारी मिलती है, चाहे वो लाइट वाले लोग हो, लाइटिंग का काम करते हो, चाहे वो कैटरिंग वाले लोग हो, होटल हो, लारिया हो,
या फिर टेम्पो ट्रक ट्रैवलर्स वाले लोग हो, पूजा अर्चना का काम करने वाले पुजारी जी हो, या फिर अलग अलग व्यापार से जुड़े हुए लोग हो, ये सभी लोगों को गणपति जी के ये गणेश चतुर्थी दरमियान बहुत ही बड़ा व्यापार मिलता है और वो व्यापार के माध्यम से सूरत शहर में लाखों लोगों को रोजगारी मिलती है। और ये रोजगारी या ये काम कभी यहां पे ये व्यवहार नहीं रहा है। आप कौन से समाज से हो ये पूछ के काम नहीं दिया जाता, ये ही गुजरात का हमेशा भाईचारा रहा है। गुजरात और गुजरात के नागरिक सभी लोगों ने साथ में मिलकर मेहनत करके जो गुजरात का ग्रोथ इंजन है हमारा, ऐसी शांति को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा।